हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू। वी ऑल हैव सीन स्पाई मूवीज, हम लोगों ने स्पाई मूवीज देखी हैं। और अगर किसी बच्चे को स्पाई वर्ड का मतलब नहीं पता, तो जिनके पीछे, जैसे आप किसी चीज़ के पीछे होते हैं और उसकी लूट या कोई ऐसा मिशन होता है कि आपको सीक्रेसी में रहना पड़ता है, छुप के रहना पड़ता है, लोगों को आप अपनी रियल आइडेंटिटी शो नहीं कर सकते, और वहाँ से फिर आपको अपनी दुश्मन की पार्टी का कोई पर्सन मिलता है और वो भी उसी चीज़ के पीछे है, और आप उसको चकमा दे पाते हैं या नहीं, इसी चीज़ के ऊपर पूरी फिल्म चल पड़ती है। ठीक है, तो इस वाली स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। ऑसिबल है जो कि हमारा सीक्रेट एजेंट है, उसके अलावा एक और सीक्रेट एजेंट भी है। तो देर आर टू सीक्रेट एजेंट्स इन दिस स्टोरी, फर्स्ट इज ऑसिबल, सेकंड इज मैक्स। अब ये जो दोनों हैं, ये किस तरीके से एक चीज के पीछे हैं, वो क्या चीज है, और क्या ये इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है या मैम हमें ऐसे ही पका रही है, ये आप जब पूरी स्टोरी पढ़ेंगे मेरे साथ तभी आप अच्छे से जज कर पाएंगे, और एंड में किसको वो फाइल, जो कि टूल है एक तरीके से, वो जो रिपोर्ट है वो मिलती है। तो जैसे जैसे हम रीड करेंगे आप मुझे कमेंट के थ्रू या कैसे भी बता सकते हैं कि आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। और दूसरी बात है, हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसी कोई मूवी ज़रूर देखी होगी। जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि आप जो है इस चीज़ को पहले ही देख चुके हैं, अरे अब तो ये होने वाला है, तो आप इजीली उस चीज़ को अगर रिलेट कर पाएंगे तो भी आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो लेट अस बिगन विद आर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। ऑसिबल, अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अब इस पर्सन को, स्पाई एजेंट को उम्मीद है कि मुझे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिपोर्ट मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और भी सीक्रेट एजेंट है मैक्स, जो कि उसको थ्रेटन करता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो इधर दे दो रिपोर्ट, तो उसको धमकाता है अपनी पिस्तौल से, डिमांडिंग द रिपोर्ट, जैसे मेरे हवाले कर दो, इस तरीके से उसको डिमांड करता है और थ्रेटन करता है। डिड ऑसिबल आउटविट हिम, आउटविट मतलब उसको चकमा देना, क्या उसको हटा देगा अपने रास्ते से, और या फिर पॉसिबल हार जाएगा और रिपोर्ट मैक्स के हाथ आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम रीड करेंगे हमें समझ आएगा। लेट मी टेल यू, ये स्टोरी बहुत फनी है, बहुत ह्यूमरस है, और आप लोगों को पक्का पसंद आने वाली है। बस आप अपनी बुक्स वगैरह जो हैं वो अपने सामने रखिए, अगर बुक्स नहीं भी हैं तो जस्ट फॉलो मी एंड इन दिस वीडियो यू विल ऑल गेट योर आंसर्स रिगार्डिंग दिस स्टोरी। Possible did not fit any description of a secret agent. जैसे एक secret agent होता है बड़ा पतला सा और James Bond और सलमान खान जैसा, वैसा कोई भी secret agent जैसी उसकी look नहीं है Possible की। Fowler had ever read. Fowler ने जिस चीज के बारे में पढ़ा था कि एक secret agent की appearance ऐसी होनी चाहिए, Possible तो वहाँ कहीं ठहरता ही नहीं है, ऐसा क्यों? Following him down the musty corridor of the gloomy फ्रेंच होटल। अब क्या हुआ, उसको फॉलो कर रहा है फाउलर, और मस्टी होता है बहुत गंदे और जहां से बैड एक स्मेल आ रही हो उन एरियाज में। कॉरिडोर इज द गैलरी, जो आप एक रोड में जो कॉरिडोर्स होते हैं वो फ्रेंच होटल, ग्लूमी डार्क फ्रेंच होटल्स हैं वहां पर, और बहुत बदबू सी वहां पर आ रही है, बहुत स्मेल है वहां उसका पीछा करते हुए। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, अब वहां पर वो क्यों पहुंचा है, क्योंकि ऑसिबल ने वहां पर एक होटल के अंदर रूम लिया है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को बड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुआ, लेट डाउन इज डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। इट वॉज अ स्मॉल रूम, बड़ा छोटा सा एक रूम है, और वो भी टॉप फ्लोर के ऊपर, टॉप फ्लोर है, 6th फ्लोर, 6 मंजिला बिल्डिंग है, एंड स्कार्सली सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वहाँ कुछ देखकर ऐसा लगता ही नहीं है, स्कैसली इज रेयरली, जब आप
एक रोमांटिक एडवेंचर इज बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लॉट लग रहा था उसे कि बड़ा यहाँ मजा सा आने वाला है, कोई स्पाई एजेंट होगा और बड़े अच्छे से होटल रूम में बैठा होगा, वहां मैं जाते उसे पकड़ लूंगा। और एक अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी उसने एक्सपेक्ट किया था और एक होटल की अपीयरेंस के बारे में भी एक्सपेक्ट किया था, दोनों में ही वो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस की भी बात कर लेते हैं। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। अब अगर कोई स्पाई एजेंट है तो भाई कायदे से उसे भागने में आसानी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी उसके दुश्मन के लोग उसका पीछा कर सकते हैं। पर ऑसिबल ऑन द कॉन्ट्ररी उसके उलट बिल्कुल मोटा ताजा सा गोलमोल सा आदमी है। यस, वेरी फैट, इतना मोटा है कि अभी आपको आगे इमेज में दिखेगा, आप बोलोगे मैम ये स्पाई एजेंट है। एंड देयर वॉज हिज एक्सेंट। एक्सेंट मैं हमेशा से बताती आई हूँ आप लोगों को क्लासेस में भी, कि एक जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होता है वो एक्सेंट होता है। जैसे एक जो बिहारी पर्सन है, अगर वो बिहार से है और उन्हें मैं बोलूँ कि इंग्लिश में बात करनी है, तो उनका एक जो बिहारी एक्सेंट है वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ऐसे ही यूपी वाले भी, ऐसे ही बींग अ पंजाबी अगर मैं इंग्लिश में बात करती हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा पंजाबी एक्सेंट ज़रूर आता है। तो हमारा जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होता है, हमारी जो अपब्रिंगिंग जिस एरिया से है, हम जहाँ से पले बड़े हैं, वहाँ का जो एक टोन आता है हमारे मुंह के अंदर, वो हमारी टोन में भी और हमारा जो स्पीच है उसमें भी वो दिखाई पड़ता है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली। पासिबली इस काम चलाऊ, मतलब जिससे काम चल जाए, लोग उसको पीटे ना कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तो उसका काम चल जाता है, इतनी वो फ्रेंच और जर्मन जानता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। फिर भी उसका जो अमेरिका से आने के बाद जो एक्सेंट रहा है वो उसके गले से कहीं नहीं गया है। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन। वो बॉस्टन को बिलोंग करता है और जब वो पेरिस आया तो भी ये अमेरिकन एक्सेंट उसके साथ साथ चल फिर के आ गया। 20 years ago, 20 साल पहले ही वो बॉस्टन से पेरिस आ गया था। You are disappointed, Ossible said wheezily over his shoulder. अब wheezily होता है बड़े ही दुखी मन से, जब आप मन पर भार रखकर कोई चीज बोले, अरे भाई मुझे लगता है तुम बड़े disappointed हो गए मुझे देखकर, तुमने ये सोचा तो नहीं था शायद। You were told that I was a secret agent. तुमको तो ये पता लगा होगा ना कि एक secret agent हूँ मैं, एक spy हूँ, dealing in espionage. एस्पियोनेज इज जो कि आप अपना हुलिया बदल लेते हैं और कोई ऐसे सीक्रेट उस पर होते हैं, मिशन पर होते हैं, जिसके लिए आप अपनी रियल आइडेंटिटी जो है वो नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इसके साथ ही डेंजर, कि जो खतरों को मोल लेता हो, खतरों का खिलाड़ी हो, ऐसा कुछ सोचा होगा तुमने, लेकिन जब तुम यहाँ आए तो तुम मुझे देख के तो बड़े ही ना उदास हो गए होगे कि ये मोटा ताजा सा आदमी, ये तो हिल के इस गली से उस गली चला जाए वही बहुत है, ये कहां से कोई स्पाई एजेंट होगा। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुम एक राइटर हो इसलिए मुझसे मिलने आए हो। सो फाउलर इज अ राइटर, ठीक है। यंग एंड रोमांटिक, जो कि बड़ी अच्छी सी रोमांटिक स्टोरीज के ऊपर कुछ नॉवेल्स लिखे या कोई राइटअप लिखे। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। तुम क्या करते हो कि रात में तुमने सोचा होगा कि रात को बड़ी मिस्टीरियस सी फिगर्स दिखेंगी। एनविजन होता है इमेजिन करना, तुमने इमेजिन किया होगा बड़ी अजीबो गरीब सी मिस्टीरियस स्ट्रेंज वियर्ड फिगर्स, लोगों की शक्लें और ये सब दिखेगा रात में। द क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की आवाजें चल रही होंगी, यहां से ठाटा हो रही होगी, वहां से कोई पिस्टल चल रही होगी, तो ऐसा गोलीबारी तो तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दी। ड्रग्स इन द वाइन, और किसी को बेहोश करने के लिए या किसी को ड्रग्ड करने के लिए हमने वाइन के अंदर ड्रग्स भी डाली होंगी। तो ये सब जो तुम एक फिल्मी माइंडसेट के साथ आए थे वो तो तुम्हारा बिल्कुल ही इस बार पानी पानी हो गया, क्योंकि उस पर तो बाल्टी भर के पानी फेंक दिया है मैंने। इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन। स्लोपी इज जो कि बड़ा ही भद्दा किस्म का दिखने वाला आदमी, मतलब जो बिल्कुल अगली सा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो एक ऐसे पर्सन के साथ तुम एक बेकार सी इवनिंग जो है तुम्हें स्पेंड करनी पड़ रही है, जबकि तुम जो सोच कर आए थे उस पर तो सब जो है पानी फिर गया है। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटी।
अब ये भी हम लोगों ने मूवीज में देखा है कि एक बॉल पार्टी चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल, जहां पर टेबल्स वगैरह हो और कोई मैसेज पहुंचाने के लिए हम किसी लेडी को यूज करें जो कि अपने पास छुपा कर कोई मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाए। तो इस तरीके से कुछ भी मैसेज जो है वो इधर उधर स्लिप नहीं हो रहे हैं। दिस वॉज समथिंग ही माइट हैव इमेजिन्ड, जो फाउलर इमेजिन करके आया था, हो सकता है ये वो हो, लेकिन ऐसा कुछ भी उसे मैसेज इधर से उधर कम्युनिकेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन द रूम। अब क्या है, प्रोसेक होता है बड़ा ऑर्डिनरी सा कोई चीज, बड़ी कॉमन सी कोई चीज। तो तुमने सोचा होगा कि मुझे ये सब लेडीज दिखती होंगी, लेकिन मुझे उसकी बजाय एक बड़ी नॉर्मल सी टेलीफोन कॉल बजती है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जो कि मेरे रूम में आने के पहले सिर्फ इतना ही तुम अब देख सकते हो। यू हैव बीन बोर्ड, मैं श्योर हूं कि तुम यहां पर आकर बड़ा ही डिसअपॉइंटेड और बोर्ड फील कर रहे हो कि मैं कहाँ आ गया, इससे बढ़िया तो मैं किसी और पर्सन का इंटरव्यू लेने चला जाता। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, चकल्ड इज अपने आप में हंसना, जैसे अपने ऊपर हंसना, व्यंग्य होता है। टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही वो अपना रूम खोलता है वैसे ही वो गिगल करता है, हंसता है अपने ऊपर। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड क्यों? क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड है, बड़ा ही उदास मन से अब वो खिंच सा रहा है कि ये मैं कहाँ आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था। तो वो थोड़ा सा साइड हट जाता है ताकि उसका गेस्ट एंटर करे जो पॉसिबल है। यू आर डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन मतलब डिसअपॉइंटेड। ऑसिबल बोलता है बट टेक चेयर, पर कोई बात नहीं मेरे यार, माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम्हें अभी थोड़ी देर में एक कागज दिखेगा, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर। अब देखिए ये ऑसिबल है, इसको देख के कौन कह सकता है कि ये एक स्पाई एजेंट है, मतलब इससे मोटा आदमी, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई आम बेचने वाला हो या कोई बलून की शॉप में खुद भी बलून बन के खड़ा हो। तो ये पूरा सीन है, ठीक है। विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ कम टू मी। अब क्या हुआ, तुम्हें एक ऐसा रिपोर्ट सी मिलेगी, पेपर इज फॉर रिपोर्ट, जिसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली है, रिस्क किया है, आज वो मेरे पास आने वाली है। सम डे सून, बड़ी ही जल्दी, द पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, पूरी की पूरा इतिहास बदलने वाला है वो पेपर, उसे छोटा मोटा सा पेपर मत समझो। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। अब ये सुन के थोड़ा सा लग रहा है ना कि जैसे मूवी में स्पाइसी सा तड़का सा लग गया है ना ऐसा, तो इसलिए अब वो बोलता है कि तुम्हारी कहानी को जो बोरिंग सी चल रही थी उसको ड्रामा देने के लिए अभी बस थोड़ी देर रुक जाओ, एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है मेरे तक कि उससे तुम्हें सही मसाला तड़के वाला मिल जाएगा। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, उसने जो डोर है वो क्लोज कर दिया ऑसिबल ने रूम को। एंड देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और लाइट भी जला दी। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, पहली बार फाउलर को अब कुछ एडवेंचरस दिखने वाला है, जैसे मतलब मजे सी कोई मूवी चल रही होती है। ऑथेंटिक इज ओरिजिनल, जो कि बिल्कुल रियल हो, थ्रिल इज जिसमें कि बड़ा एडवेंचर सा हो। तो फाउलर को पहली चीज अब दिखने वाली है जिसमें कुछ मसाला है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, मतलब आधे डिस्टेंस तक रूम के, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक मैन खड़ा है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। ये देखिए, मतलब हाफ वे हो गया, यहां से ये हाफ और यहां से ये हाफ, तो हाफ वे में एक पर्सन के हाथ में एक पिस्तौल है और वो उनके सामने खड़ा है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने थोड़ी थोड़ी अपनी पलके जो है झपकी, क्योंकि ये तब होता है जब हम किसी चीज को सच नहीं मान रहे होते, हमें लगता है ये क्या, ये कोई सपना तो नहीं देख रहे, तो अपने आप को विश्वास देने के लिए उसने ब्लिंक की आईज। मैक्स ही विस्ट, विस्ट इज बड़े ही मतलब बुरे से, हैवी हार्ट से, जैसे मैंने अभी बताया था। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, अरे मैक्स तुमने फिर से मतलब ये सब स्टार्ट कर दिया, मैं तो डर ही गया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम। सो देर आर थ्री मैन, फर्स्ट इज पॉसिबल स्पाई एजेंट, जो हम लोगों का हीरो है मोटू सा। सेकेंड इज जो राइटर पॉसिबल के रूम में आया है, हिज नेम इज फाउलर। एंड थर्ड पर्सन इज जो उसकी खोज में है पॉसिबल की, उस रिपोर्ट के चक्कर में, द थर्ड पर्सन इज मैक्स। ठीक है,
मैक्स वॉज स्लेंडर. अब मैक्स की अपीयरेंस है, यू कैन अंडरलाइन दिस, मैक्स बड़ा पतला सा आदमी है, स्लेंडर इज वेरी थिन, अ लिटिल छोटा सा, पर ज्यादा भी मतलब लेस देन टॉल, बहुत टॉल से थोड़ा कम है. फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स. काउंटेनेंस इज एक्सप्रेशन, मतलब उसका चेहरा देख के लगता है कितना कनिंग फेलो है, कितना चालाक सा आदमी है, और उसकी शक्ल देख के लोमड़ी का टच आता है, जैसे लोमड़ी को देख लिया हो वैसा ही मैक्स है. तो ये उसका अपीयरेंस है. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनिसिंग. मिनिसिंग इज डेंजरस, जैसे आप किसी को देखकर आपको लगता है ना कि इसके इससे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है और ये कुछ खतरा हो सकता है, तो उसकी गन के अलावा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डेंजर लगे. मतलब वो भी कुछ ऐसा ही कॉमन पर्सन सा दिख रहा है, उसको देख के डरे ना, बच्चा भी, बड़ा आदमी तो क्या डरेगा. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मर्मर्ड इज बहुत धीरे से जैसे बुदबुदाना, विस्पर करना. उसने बोला द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो न्यू मिसाइल्स के बारे में एक रिपोर्ट आने वाली है तुम्हारे पास. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं उसे लेने के चक्कर में आया हूं, जल्दी से उसे निकालो. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वैसे भी मेरे पास वो ज्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथों से. ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवीली. अब ऑसिबल ने क्या किया, जैसे हम बड़े उदास हो जाते हैं अपना सर पकड़ लेते हैं, वैसे ही वो जाकर आर्म चेयर पे बैठ गया अपना सर लेके. हे भगवान, इस आदमी को भी अभी आना था यहाँ पे. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट. मुझे लग रहा है कि मेरा तो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है और इतना बैड लक चल रहा है कि मतलब तुम मेरे से इसमें बेट लगा सकते हो, ही सेड ग्रिमली, बड़ा ही उदास होकर डल मुंह से उसने ये बोला. दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम. ये मंथ में दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे रूम में सीक्रेटली ऐसे आ गया हो, छुप गया हो, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी. और ये सब उस गंदी बालकनी की वजह से, वो देखो कितनी गंदी स्टूपिड इडियट सी बालकनी है, इसकी वजह से दो दो बार ऐसा हुआ है मंथ में कि मैं चैन की नींद नहीं सो पाया हूं. कोई ना कोई आकर मुझे परेशान करता ही रहता है, करता ही रहता है. आज तो मैं इस बालकनी की चटनी बना दूंगा. फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. अ फाउलर बेचारा, वो तो ऐसा मतलब बेचारा सा लग रहा है, भोलू सा, कि उसने मतलब उस सिंगल सी विंडो की तरफ देखा जो कि रूम के अंदर है, इकलौती विंडो, और उसने सोचा कि अच्छा यही बालकनी के बारे में बात कर रहे होंगे. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि बड़ा खास सा हो, बड़ी साधारण सी वो विंडो है. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और जिसके बाहर सब काला काला सा दिख रहा है क्योंकि नाइट पूरी तरीके से आ चुकी है. बालकनी, मैक्स सेड With a rising inflection. Inflection मतलब immediately उसको कुछ जैसे idea सा आता है या कुछ अटपटा सा लगता है, उसी mindset के साथ उसने बोला balcony? No, a pass key. मैं balcony से नहीं आया हूँ, मैं तो उस secret वाले area से आया हूँ. आपने देखा होगा hotel में कुछ ऐसे areas भी होते हैं जिनको आप जो staff members है सिर्फ वही खोल सकते हैं, common man नहीं खोल सकते. तो मैं उस पास की के थ्रू आया हूँ, मतलब जो एक मास्टर की होती है उससे खोलकर मैंने वो एरिया खोला और वहां से मैं यहाँ आया. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मेरे को कोई बालकनी वगैरह के बारे में नहीं पता है. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता मैं यहीं से ही आ जाता. वैसे भी बड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई अपने मास्टर की से तुम्हारा रूम खोलने में, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम कम होती अगर मैं बालकनी से आता. इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. वो बिल्कुल इरिटेट होकर बोलता है मेरी बालकनी नहीं है वो, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो तो नेक्स्ट अपार्टमेंट वालों की है, मतलब नेक्स्ट जो रूम वाले हैं उनकी है. ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, वो समझाने की वजह से फाउलर की तरफ देख रहा है. ग्लैंस्ड इज देखना, स्टेयर करना, एक्सप्लेन करने के वे से. यू सी दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये एक बड़े यूनिट का पार्ट है, एक छोटा सा रूम है ये. एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा रूम है, थ्रू दैट डोर देयर, वो जो दरवाजा दिख रहा है ना उसी के ही दूसरी तरफ वो दूसरा रूम है. यूज टू बी द लिविंग रूम, वो होता था लिविंग रूम. लिविंग रूम इज योर बेडरूम. इट हैड द बालकनी, वहां पर बालकनी है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी विंडो को क्रॉस करके जाती है. You can get